यूपी चुनाव से पहले आज लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बड़ी बैठक, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल, चुनावी रणनीति को लेकर होगी चर्चा। आज से यूपी के 3 दिनों के दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा, लखनऊ में पार्टी के पदाधिकारियों और अध्यक्षों से करेंगी मुलाकात, कल रायबरेली का दौरा, 2022 के लिए पार्टी को एक्टिव करने की कोशिश। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक के बाद बड़ा फैसला, 2024 की बजाय 2023 का तक भगवान राम को मंदिर में विराजमान करने की योजना, 2025 तक 70 एकड़ के इको फ्रेंडली परिसर का निर्माण पूरा होने की उम्मीद। आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का वीडियो वायरल, सपा के विरोध प्रदर्शन में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू। यूपी आतंकी साजिश में एटीएस का नया खुलासा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर कोर्ट्स के जरिए होती थी साजिश की तैयारी, पकड़े गए संदिग्ध आतंकी मिनहाज, और मसरुद्दीन के तार दिल्ली में पकड़े गए आतंकी से भी जुड़े। 29 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे तीनों संदिग्ध आतंकी, स्पेशल कोर्ट से एटीएस ने मांगी थी रिमांड। सीएम योगी ने की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक, मीटिंग में डीजीपी मुकुल गोयल समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल, राज्य की कानून व्यवस्था पर हुआ मंथन। एक बार फिर ओवैसी ने दिया अजीबो गरीब बयान, सीएम योगी ने कहा मजनू और खुद को बताया लैला, कहा हर टीवी के इंटरव्यू में मुझे याद करते हैं। मैनपुरी में सपा कार्यकर्ताओं ने महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किया धरना प्रदर्शन, कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। गोंडा में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, महंगाई भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। बागपत में सपा कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर हाथों में लेकर किया प्रदर्शन, महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस से की धक्का मुक्की, कोरोना गाइडलाइंस का भी किया उल्लंघन। उन्नाव में सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, पंचायत चुनाव पर भी उठाए सवाल। अयोध्या में भी सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पुलिस के साथ झड़प, आजम खान को रिहा करने की मांग। कन्नौज में 30 सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज, बीजेपी मंडल अध्यक्ष के मारपीट के आरोप में मुकदमा, 8 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान हुई थी मारपीट। बलिया में ओम प्रकाश राजभर ओवैसी का पुतला दहन, हिंदू समाज और राजभर समाज के अपमान का विरोध। यूपी की जनसंख्या नीति पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा जनसंख्या कानून से महिलाओं को होगा नुकसान। नोएडा के थाना सेक्टर 20 में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर डॉक्टरों को ब्लैकमेल करने वाले शख्स को पुलिस से किया गिरफ्तार, आरोपी से एक गाड़ी और 5 लाख कैश बरामद। अमरोहा के थाना देहात इलाके में बदमाशों ने युवती से लूटपाट में असफल रहने पर मारपीट कर किया चोटिल, घायल युवती को अस्पताल में कराया गया भर्ती, आरोपियों की तलाश जारी। बांदा में युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या से इलाके में दहशत, मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जल्द खुलासे की बात कही। मुजफ्फरनगर के जानसाट कोतवाली इलाके में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने की शव को जलाने की कोशिश, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में। गौतमबुद्ध नगर के थाना बिस्रक पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, तस्करों के कब्जे से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। नोएडा के थाना फेज 2 से हथियारों की तस्करी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, तस्करों के पास से 5 पिस्टल, 2 देसी तमंचे और कारतूस बरामद। मिर्जापुर के बाणसागर परियोजना से किसानों को लाभ, समय से सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो जाने से किसानों की फसल अच्छी हो रही है। मिर्जापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब के किनारे मिला युवक का शव, सूचना पर डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची पुलिस टीम, जांच में जुटी। बिजनौर के अकबराबाद रोड पर हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा, गिरफ्तार 3 आरोपियों के पास से 2,52,000 कैश बरामद। सोनभद्र में प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया नजरबंद, मांगों को लेकर तहसील में प्रदर्शन करने की कर रहे थे कोशिश। मथुरा में ई रिक्शा लूटने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के पास से चोरी की ई रिक्शा, 1 थ्री व्हीलर और बाइक बरामद। झांसी में स्मार्ट सिटी योजना के तहत बने बस रिचार्ज स्टेशन का डीएम ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को 31 अगस्त तक काम पूरा करने के निर्देश दिए। सीतापुर पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने, पिता से पिछड़े 5 साल के मासूम बच्चे को महल 1 से 2 घंटे में परिजनों से मिलवाया, दोस्त की दुकान पर बच्चे को बिठाकर सामान लेने चला गया था।